अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ब्यूटी टिप्स लाएं जो एक्नी, एक्नी के निशान और दाग धब्बे दूर करेगा और एक्नी होने से रोकेगा। तो मैं बनाऊंगी मास्क, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, जिसका हम केक वगैरह बनाते हैं ये वो है मैदा, और अमेरिका वगैरह में ऑल पर्पज फ्लावर होता है, तो यहाँ मैंने वो लिया है। ये मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कोकोनट ऑयल, यहाँ पे ये जमा हुआ है तो मैं ये लूँगी, इसमें थोड़ा सा है तो मैं इसमें से ले लूँगी कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून भर के, और इसमें हम इतना मिल्क डालेंगे कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन गया है, और सबसे पहले हम अपने फेस को धो लेंगे, और धोने के बाद हम इसको लगाएंगे पूरे फेस पे। मैं हाथ पे करके बता रही हूं, आप लोग फेस पे कीजिएगा। ये देखिए जी, इसको हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट कि ये ड्राई हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगी, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम सादे पानी से और किसी अच्छे फेस वॉश से मुंह धो लेंगे। तो ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए, इसको 7 डेज करें और एक ही हफ्ते में आपको फर्क पता चल जाएगा, और इससे आपका चेहरा क्लियर हो जाएगा, दाग धब्बे एक्नी वगैरह निकलना बंद हो जाएगी और दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे। तो ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। इसमें मैंने डाला है ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा, वो हमारी स्किन को क्लियर करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा। इसमें मैंने डाली है हल्दी, हल्दी नेचुरल ब्लीच का काम करती है, इन्फेक्शन होने से रोकती है और दाग धब्बे दूर करती है, स्किन फेयर करती है। इसमें मैंने डाला है मिल्क, कच्चा मिल्क, और ये भी स्किन को क्लियर करता है, दाग धब्बे दूर करता है और स्किन को फेयर करता है। और कोकोनट ऑयल, इससे स्किन आपकी मॉइस्ट होगी, दाग धब्बे दूर होंगे और स्किन क्लियर होगी। तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं और आपकी स्किन को क्लियर करेगी, दाग धब्बे दूर करेगी और एक्नी होने से रोकेगी। तो ये अमल 7 दिन कर सकते हैं आप, तो ये अमल आप 7 दिन कर सकते हैं। अगर किसी को एलर्जी है तो हाथ पे इसी तरह करके देखें, और फिर अगर हाथ पे आपको ख़ारिश नहीं हो रही या फिर कोई मसला नहीं हो रहा है तो आप ये फेस पे भी कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पे ख़ारिश हो रही है या फिर जलन हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको टर्मरिक सूट नहीं कर रही, हल्दी सूट नहीं कर रही है, तो फेस पे मत कीजिएगा। तो इसे छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट, और फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से मुँह धो लें और कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ कर लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी टिप्स अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कॉमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, वो भी देखिएगा। और ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ईजी आसान ब्यूटी टिप्स मिलेंगी, जो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।